हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं LYF लॉन्चिंग योर फ्यूचर। फ्रेंड्स, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं खासकर एक बहुत ही बढ़िया जानकारी जो है गूगल प्ले सर्विसेज के बारे में। फ्रेंड्स, गूगल प्ले सर्विसेज क्या है और यह किस तरह से उपयोगी है, हम इसके बारे में आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपने यदि स्मार्टफोन यूज किया है और खासकर कम मेमोरी वाले स्मार्टफोन्स को यूज किया है, तो आपने ये अनुभव किया होगा कि आपको गूगल प्ले सर्विसेज को लेकर बहुत सारी समस्याएं जाती हैं। वो समस्याएं क्या होती हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। फ्रेंड्स, जब भी कभी आप YouTube या अदर कोई ऐप्स है गूगल प्ले स्टोर को यूज करना चाहते हैं या इसको ओपन करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि हमारे मोबाइल में मेमोरी कम है, इसलिए ये सब प्रॉब्लम जा रहा है। और उसके अपडेट ना हो पाने की वजह से कई बार आपने देखा कि हम बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जिनको हम यूज नहीं कर पाते हैं, और यदि उनको यूज करते हैं तो हमारे मोबाइल की जो सेटिंग है वो बिगड़ जाती है और कई सारी समस्याएँ हमें झेलनी पड़ती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपको इसके बारे में विधिवत जानकारी देते हैं और आज के बाद आपको इसके संबंध में कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, बता दें कि गूगल प्ले सर्विस एक तरह का एप्लीकेशन है जो खासकर एंड्रॉयड के लिए बनाया गया है और उनके लिए जो खासकर गूगल के ऐप्स हैं उनको संचालित करने के लिए। यहाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जितने भी ऐप्स आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन में, ये सभी गूगल के प्रोडक्ट्स हैं, गूगल के एप्लीकेशन हैं। इन किसी को भी संचालित करने के लिए आपको गूगल प्ले सर्विस का होना आपके मोबाइल में अत्यंत जरूरी है, खासकर अपडेटेड वर्जन, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल में हर एक नए दिन न्यू फंक्शनलिटी आती रहती है और न्यू जो अपडेट्स रहते हैं वो ऐप्स में आ जाते हैं, और जब आप उन ऐप्स को चलाने का प्रयास करते हैं तो आपको डिमांड करता है गूगल एक अपडेटेड वर्जन के लिए। तो जैसे फ्रेंड्स, यदि आपने यूट्यूब आपके मोबाइल में आया और आपने इसको अपडेट कर लिया है, तो इसके जो अपडेटेड वर्जन है YouTube का, ये तभी संचालित होगा जब आपका Google Play सर्विस का अपडेटेड वर्जन भी आपके मोबाइल में उपस्थित है। परिणाम ये हुआ कि यदि आपने YouTube या अदर जितने भी ऐप्स यहाँ पर आप देख रहे हैं Google Play स्टोर से अपडेट कर लेते हैं, लेकिन आपका जो Google Play सर्विस है वो अपडेट नहीं है, तो जो भी नया अपडेट इन ऐप्स में आया है वो वर्क नहीं करेगा। उसको परफॉर्म करने के लिए, उस फंक्शनैलिटी को यूज करने के लिए ज़रूरी है कि आप गूगल प्ले सर्विस को अपडेट कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं। आपने इस बात का भी अनुभव किया होगा कि गूगल प्ले सर्विस को जब आप यहाँ पर लिस्ट में ढूंढते हैं कहीं पर भी इंस्टॉल्ड में, तो यहाँ पर आपको कहीं भी उसकी लिस्ट नहीं मिलेगी गूगल प्ले सर्विस की। यहाँ पर आप नीचे तक जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी गूगल प्ले सर्विस नाम का ऐप आपको दिखाई नहीं देगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर दिखाई नहीं देता है तो फिर कहाँ पर दिखाई देगा। चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि गूगल प्ले सर्विस एक एप्लीकेशन ज़रूर है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमें यहाँ पर ये जितने भी ऐप्स हैं इनकी लिस्ट में नहीं मिलता। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स गूगल प्ले सर्विस एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल को या आपके मोबाइल के जितने भी ऐप्स हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करता है, या यूं बोले कि गूगल प्ले सर्विस के माध्यम से ही आपका मोबाइल संचालित होता है। बहुत से एप्लीकेशंस उस पर निर्भर करते हैं। यदि आपके मोबाइल में गूगल प्ले सर्विस नहीं होगा तो आपका मोबाइल संचालित नहीं हो पाएगा, बहुत सारे ऐप्स काम करना बंद कर देंगे, या यूं बोलें कि आपके मोबाइल में एक तरह की मुसीबत आ पड़ेगी। हम फ्रेंड्स आपको बता रहे हैं कि ये आपको कहाँ पर मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर जो आपकी ऐप्स की लिस्ट है यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगा गूगल प्ले सर्विसेस। ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आ चुके हैं गूगल प्ले सर्विसेस। और दूसरी बात फ्रेंड्स, गूगल प्ले सर्विसेस का जो स्टोरेज है, जो मेमोरी है, वो काफ़ी अधिक लेता है। जैसे यहाँ पर देखें कि 499 MB यहाँ पर यूज की गई है, जैसा आप यहां पर देख रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है ऊपर 499 MB यूज्ड इन इंटरनल स्टोरेज। तो ये फ्रेंड्स, यदि आप अभी तक
कम मेमोरी के फ़ोन्स यूज करते थे जिनमें इंटरनल स्टोरेज कम है, तो उनमें खास समस्या जाती थी कि ये फंक्शनलिटी गूगल प्ले सर्विस ठीक से काम नहीं करता था। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से ऐप इस पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखें कि यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि परमिशंस, ये फ्रेंड्स जितने भी आपको ऐप्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये सभी ऐप्स संचालित होते हैं गूगल प्ले सर्विसेज के द्वारा। यदि फ्रेंड्स इनमें से किसी भी एप्लीकेशंस को आप बंद कर देंगे तो आपके मोबाइल में वो सर्विस बिल्कुल से बंद हो जाएगी और वो काम नहीं करेगी। जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बता दें माइक्रोफोन है, यदि माइक्रोफोन को हमने यहाँ पर बंद कर दिया तो यहाँ पर देखिए, इफ़ यू डिनाई दिस परमिशन बेसिक फीचर्स ऑफ योर डिवाइस मे नो लॉन्गर फंक्शन एज इंटेंडेड। तो यहाँ पर फ्रेंड हमने इसको कैंसिल कर दिया है क्योंकि हम किसी भी ऐप किसी भी सर्विसेज को बंद करना नहीं चाहते हैं। यहाँ फ्रेंड्स कैमरा को यदि आप बंद कर देंगे तो आपका कैमरा काम नहीं करेगा, कैलेंडर को बंद कर देंगे तो वो भी काम नहीं करेगा, बॉडी सेंसर्स को बंद कर देंगे तो जितने भी आपके मोबाइल में सेंसर हैं वो भी काम करना बंद कर देंगे, SMS को बंद कर देंगे तो आपके जितने भी SMS का आना और जाना दोनों बंद हो जाएगा। स्टोरेज को यदि आप बंद कर देते हैं तो फिर तो आप समझ लीजिए कि क्या समस्या आ जाएगी। तो ये फ्रेंड्स सभी समस्याएं हैं और ये सभी चीज़ें निर्भर करती हैं गूगल प्ले सर्विसेज पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखें कि जितने भी ऐप्स हैं यहाँ पर जितने भी ऐप्स आपको दिख रहे हैं वो सभी तभी काम करेंगे यदि आपके मोबाइल में गूगल प्ले सर्विस का एक अपडेटेड वर्जन उपलब्ध होगा। और ये जितने भी ऐप्स हैं यदि आपके मोबाइल में एक अपडेटेड वर्जन नहीं है गूगल प्ले सर्विस का तो जब भी आप इसको टच करेंगे तो आपको तुरंत शो करेगा अनफॉर्चुनेटली द गूगल प्ले सर्विस इज नॉट अवेलेबल या गूगल प्ले सर्विस इज स्टॉप्ड। तो इस तरह का आपको स्क्रीन में दिखाई देगा। तो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं खासकर गूगल प्ले सर्विस के बारे में। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये फ्रेंड्स आप देखें कि यहाँ पर हम आ चुके हैं और यदि यहाँ पर आप देख रहे हैं डीएक्टिवेट, और सामान्य तौर पर आप देखते हैं कि जो अदर ऐप्स होते हैं एक तरफ आपको यहाँ पर दिखता है अनइंस्टॉल और एक तरफ दिखता है ओपन, लेकिन इसमें केवल लिखा हुआ है डीएक्टिवेटेड, वर्तमान में ये एक्टिवेट है और इसको यदि आप बंद करना चाहते हैं तो आपको डीएक्टिवेट करना होगा। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी करने वाला नहीं हूँ। यदि फ्रेंड्स आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स को बिगाड़ना हो, अपने मोबाइल को ख़राब करना हो कुछ समय के लिए, तो आप इसको डीएक्टिवेट कर दें। जैसे ही आप डीएक्टिवेट करेंगे तो आपको ये समझ लीजिए कि आपके मोबाइल में एक मुसीबत आ जाएगी, एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। बहुत सारे ऐप्स काम करना बंद कर देंगे, आपके कॉल आना और जाना, SMS आना SMS जाना, और गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनको किसी को भी टच करेंगे तो ये काम करना पूर्णतः बंद कर देंगे, ना कुछ सर्च हो पाएगा। तो ये फ्रेंड्स एक बहुत आवश्यक सर्विस है आपके मोबाइल में, और फ्रेंड्स यदि ये नहीं होगी तो आप कुछ भी संचालित नहीं कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं इसके संबंध में विधिवत जानकारी, खासकर डिस्क्राइब करके। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ जानकारी लिखी है जिनको हम एक बार पुनः बता देते हैं। गूगल प्ले सर्विसेज इज यूज टू अपडेट गूगल ऐप्स एंड ऐप्स फ्रॉम गूगल प्ले। फ्रेंड्स जो गूगल प्ले सर्विस है उसका उपयोग खासकर होता है गूगल प्ले स्टोर से गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको अपडेट करने के लिए। दिस कॉम्पोनेंट प्रोवाइड्स कोर फंक्शनैलिटी लाइक ऑथेंटिकेशन टू योर गूगल सर्विसेज। फ्रेंड्स यह जो फीचर्स है ये आपके गूगल प्ले सर्विस के लिए जो आवश्यक ऑथेंटिकेशन है वो उपलब्ध कराता है। सिंक्रोनाइज्ड कॉन्टैक्ट्स, आपके जो कॉन्टैक्ट्स है लिस्ट है उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। एक्सेस टू ऑल द लेटेस्ट यूजर प्राइवेसी सेटिंग्स, आपके मोबाइल जितनी भी प्राइवेसी सेटिंग्स है उनको नियंत्रित करने का काम गूगल प्ले सर्विसेज द्वारा ही किया जाता है। हायर क्वालिटी पावर लोअर पावर लोकेशंस बेस्ट सर्विस, जो फ्रेंड्स लोकेशन रिलेटेड सर्विसेज है खासकर गूगल मैप्स को लेकर जितनी भी सर्विसेज रहती हैं वो इसी पर निर्भर करती हैं। यदि आप इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं तो आपका जो गूगल मैप्स है वो काम करना पूर्णतः बंद कर देगा। गूगल प्ले सर्विसेज आल्सो एनहेंस योर ऐप एक्सपीरियंस। यदि फ्रेंड्स आपके इसमें गूगल प्ले सर्विस का एक अपडेटेड वर्जन है
तो आप किसी भी एप्लीकेशन को चलाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, और यदि अपडेटेड वर्जन नहीं है तो कई बार आपका मोबाइल हैंग होगा और भी बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। इट स्पीड्स अप ऑफलाइन सर्चेज, और यदि फ्रेंड्स आपके इसमें अपडेटेड वर्जन है तो आप जब इंटरनेट ओपन नहीं किया हुआ तब भी जब कोई चीज़ सर्च करते हैं तो बड़े आसानी से ओपन हो जाती है, वो ऐप बड़े आसानी से ओपन हो जाता है। प्रोवाइड्स मोर इमर्सिव मैप्स एंड इम्प्रूविंग गेमिंग एक्सपीरियंस, और जो गेम्स वगैरह हैं और जो मैप्स से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से उपलब्ध हो जाती हैं इसकी उपस्थिति में। एप्स में नॉट वर्क इफ़ यू अनइंस्टॉल गूगल प्ले सर्विसेज। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि आप गूगल प्ले सर्विस को अनइंस्टॉल कर देते हैं तो बहुत सारे ऐप्स आपके काम करना बंद कर देंगे। तो मेरा मानना है फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने भी कई बार इस समस्या का अनुभव किया है, लेकिन मुझे मालूम नहीं होता था कि गूगल प्ले सर्विस क्या है और इसका क्या उपयोग है, ये कहाँ पर मिलेगी ताकि इसको हम सीधे देख लें। हम उसको टच करते थे गूगल प्ले को, तो वो उस तरह की समस्या सामने आ जाती थी, और आप देखते थे जब से जियो आ गया है तब से तो डेटा की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले डेटा की भी प्रॉब्लम होती थी, हमें ऐसा लगता था कि जो 449 MB जो डेटा है ये कहाँ से आएगा। तो ये फ्रेंड्स समस्याएं थी, और मेरा मानना है जो समस्याएं हैं अब आपकी सॉल्व हो चुकी हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे कि गूगल प्ले सर्विस क्या है। फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और फ्रेंड्स यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की हम अपडेटेड न्यूज़, अपडेटेड वीडियोज़ और न्यू डिवाइसेस की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू लेकर आते रहते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।